Welcome back, everybody. You're watching Club 40. Stay healthy after 40 with me, Dr. Muzna Ibrahim. Today, is very episode. I've a lot. I hope you've a lot. And now I'm going to be taking you to a segment that you all look forward to. It's the Build Your Bones segment. Just pay up safely. हैप्पीली और बड़े सुकून से ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि सिर्फ देखेगा नहीं एक्सरसाइजेस को क्योंकि मैं भी अक्सर ये करती मैं एक्सरसाइज को देख के ही थक जाती हूँ आप एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करें आहिस्ता आहस्ता आदत बनाएं कि आप रोज़ थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज बनाएँ uh, क्या, क्या करें इट्स गुड फॉर यू इट्स गुड फॉर आर सेगमेंट एंड कीप पोस्ट विथ योर फीडबैक हाउ यू कन डू दैर आल्टेल्यू लेटर बट फिलहाल के लिए भाग के जाए भाग के वापस आए अपने एक्सरसाइज मैट्स या टावल्स या कार्पेट्स के साथ पार्क योर सेल्फ इन फ्रंट द टीवी एंड एंजॉय आर बिल्ड योर बोन्स सेगमेंट असल दिस इज डॉक्टर मुबैशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी फ्रॉम क्लब फोर्टी कैसे हैं आप लोग आज आई एम वेरी वेल आज थोड़ी बहुत हम लोग लाइटर एक्सरसाइजेस करेंगे यानी मेडिटेशन स्ट्रेचिंग बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग करें या योगिक वे ऑफ स्ट्रेचिंग करें अब आप वंडर कर रहे होंगे मतलब सोच रहे होंगे कि ये योगिक वे क्या है सो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग होती है मोमेंटो से यानी कहीं आपको लंबी सांस लेके होल्ड करना पड़ता है फिर इनहेल और सेल, रिदमिक ब्रीदिंग पे लेकर आना पड़ता है तो ये काफ़ी पॉज एंड क्लूज हैं जो हम एक्सरसाइज में इंडल्ज करते हैं यानी एक्सरसाइज में हम मिलाते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचेस से तो दोनों लेग का पार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे मोर एम्फोसाइज करेंगे यानी मोर प्रेशर डालेंगे हम कॉडोसेप मसल्स पे वन से लेके थ्री तक काउंट करेंगे वन टू एंड थ्री शिफ्ट करें पूरा बॉडी वेट ऑन टू राइट यानी राइट कोड पे होल्ड करें वन एंड थ्री अगेन टू यानी दूसरी तरफ हमने यही एक्सरसाइज तकरीबन टाइम्स रिपीट करनी है यानी आप बेसिकली स्ट्रेचिंग और आपकी वार्म एक्सरसाइज नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी ठीक है ब्रेथ एंड एक्सेल इनहेल ब्रीदिंग अब हमने बैठने की थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे वर्क करना है जो ख़वान ईजिली बैठ जाती हैं यानी अपनी फुल थाइज पे इट्स मच कम्फर्टेबल फाइन अगर नहीं होता तो स्लाइडली वेट शिफ्ट करें एक हिप पे एंड यू कैन रेस्ट यानी आप अपनी ऐसी पोजीशन बनाएं जिसमें आप कंफर्टेबली बैठने के काबिल हों लाइक फाइव टू टेन में जिसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे या आप ये भी कर सकते हैं पद्मासन यानी लोटस पोज जो हम लेते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इनवर्ड या पोजीशन में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लेडीज़ कंफ्यूज होती हैं या बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझसे इस तरीके से बैठा नहीं जा रहा मैं क्या करूँ उस तरीके से सो कंफर्टेबल पोजीशन जितनी आप ले सकती हैं जो भी आपकी पोजीशन जो भी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है यानी जितना आप स्ट्रेच कर सकती हैं मैक्सिमम लेवल पर आप स्ट्रेच कीजिए सो बेसिकली नाउ आई मीन टू वेरी रिलैक्सेशन पोज एक्चुअली ओके जी Take a deep breath. Inhale, होल्ड एंड exhale. Inhale एंड exhale. राइट right की तरफ हमने टिल्ट करनी है पूरी नेक सेंटर फ्ट सेंटर डाउन सेंटर अप, यानी एक्सटेंड करेंगे नेक ऑल द वे टिल्थ नहीं कीजिए सिर्फ जितनी आपकी नेक इजाजत देती है हमने अपने मसल्स को रिलैक्स रखना है अब उट नाउ हैं पूरा हम साइड पे लेके जाएंगे स्ट्रेच दूसरी तरफ फुल स्ट्रेच एंड आउट अब हमने दूसरी जो लास्ट एंड फाइनल है कंफर्टेबल पोजिशन पे हो जाए दोनों पेर्स साइड पे यानी पदमाशन की पोस्ट पे लेके जाएंगे दोनों हाथ पीछे ग्रेजुअली एंड स्लोली ऑल द वे डाउन अप एंड आउट राइट पे टर्न इन पीछे से आप हाथ क्लैश पफ कर सकते हैं यानी बांध सकती हैं ताकि आप में ग्रेविटी आए आप एंड आउट लेफ्ट एंड साइड आप आउट राइट लेग को मूव बैक करें थोड़ा साई को मोड़ने की कोशिश करें सिर्फ सिंपल स्ट्रेच है सिंपल एंड स्टडी स्ट्रेच एंड आउट इसी तरह हम दूसरे पैर पर जाएंगे सिंपल स्टडी स्ट्रेच है But I'm pretty sure Harkui Carlleta, because I usually do it in my classes. Easy and steady and out. Now, last and final. Rhythmic breathing, take a deep breath. थैंक यू वेरी मच एज आई I'm एंड sure आप लोगों ने बहुत enjoy किया होगा क्लब 40. अल्लाह हाफिज मैं भी छोटे छोटे बर्ड में एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ आई फील ग्रेट एंड देन आई स्टॉप ये जो एक्सरसाइज़ रोकने का जो मरहला एक होता है ना दैट्स रियली बैड बिकॉज वज़न जो आपने लूज़ किया वो वापस आ जाता है जो आपकी एनर्जी एक सडन बिल्डअप हो जाती वो भी ख़त्म हो जाती है सो प्लीज़ डोंट वेस्ट ऑल ऑफ द एफर्ट्स योर एंड अगर आपने एफ़र्ट की है तो उसको कंटिन्यू रखें कंसिस्टेंसी के साथ आज का की वर्ड वैसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए और मैं कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखूंगी विथ आर न्यूट्रिशन सेगमेंट विच इज द बोन फ्रेंडली डाइट सो लेट्स गो वॉच इट एंड इट क्विकली कम बैक असलकुम मैं हूँ डॉक्टर माहरीन और आज का हमारा सेगमेंट है बोन फ्रेंडली डाइट इस सेगमेंट में हम आज मुलाकात करेंगे मिस फायजा खान से जो कि पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटाटिक सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं साथ ही साथ वो काम कर रही हैं एज अ डाइट्रशियन एट द किडनी सेंटर कराची आज हम उनसे गुफ्तु करेंगे कि डाइट का क्या रोल है uh, हड्डियों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लेट्स uh, सी कि डॉक्टर फायज़ा आज हमारे साथ क्या बातें शेयर करती हैं अस्सलाम वालेकुम मिस फायज़ा कैसी हैं आप अस्सलाम वालेकुम uh, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेगमेंट सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि uh, हड्डियों की ग्रोथ के लिए कौन सी ऐसी डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं हड्डियों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो कैल्शियम है hmm. और इसके साथ साथ और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कैल्शियम के साथ हड्डियों की डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं जिस तरह विटामिन डी है right. विटामिन ए है मैग्नीशियम पोटाशियम विटामिन के ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बोन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं राइट right. तो एक ऑप्टिमम बोन ग्रोथ के लिए इन डायट्री फैक्टर्स को कंज्यूम करने करते वक्त कौन सी ऐसे आ, खाने या ज़ा लेनी चाहिए जिससे वो हम आ, हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो देखिए बोन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक इन्फेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है Uh, हर एज ग्रुप में जो है uh, एक सर्टन रिक्वायरमेंट होती है जिस तरह कैल्शियम की रिक्वायरमेंट uh, अगर हम बात करें इन्फेंट्स uh, की हुँ. तो उस दौरान जो है उनको तकरीबन फोर टू हंड्रेड से फोर हंड्रेड के दरम्यान मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इनको रिक्वायर्ड होता है हुँ. इसके बाद जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट साथ बढ़ती रहती हैं right. आ, लेकिन अगर हम आ, इसी तरह बच्चों की भी हम बात करते हैं तो 400 से 800 और उसके बाद फिर एडल्ट्स के लिए 800 हंड्रेड तो टू ट्वेल्व मिलीग्राम पर डे और आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज वो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाती है आ, इसी तरह डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ में जिस तरह अगर जो फीमेल्स हैं वो प्रेगनेंट हैं या वो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को फीड करा रही हैं उस दौरान भी जो उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है राइट right. तो so, uh, अगर हम uh, एक वेमेन uh, को लें ओवर फोर्टी इयर्स जो आपको पता है कि नॉर्मल रूटीन किस तरह से होता है तो वो जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का जो आप कह रही हैं थर्टीन हंड्रेड मिलीग्राम्स तो वो किस तरह से इनका फुलफ़िल होगा uh, देखिए कैल्शियम की जब हमने बात की कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जब हम ओस्टियोप्रोसेस की या डिफरेंट ऐसी डिजीज़ की बात करते हैं जो कि बोन से रिलेटेड है तो वो ये इनका जो ऑनसेट होता है वो इमीडिएट नहीं होता वो एक लॉन्ग टर्म होता है यानी right. बहुत सालों से जब एक गजाई कमी का शिकार अगर है एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डाइट्री अगर उनका प्रॉपरली वो कोई भी चीज़ उसमें से मिसिंग है तो फिर डेफिनेटली बोन ग्रोथ या प्रॉपर बोन डेवलपमेंट नहीं होगी और इन ओवर द ईयर्स जो है ये इस तरह की बीमारियाँ डेवलप होती हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों में आ, से जो है ना आपने उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है अगर हम कैल्शियम की बात करें तो आ, अगर आप आ, एक फोर हंड्रेड मिलीग्राम इवन कैल्शियम लेने के लिए एटलीस्ट टू टू थ्री कप्स ऑफ मिल्क या उसके इक्विवेलेंट जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिस तरह दही का इस्तेमाल है या दूध से बनी हुई और अशियाँ हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है right. आ, इसी तरह चीज़ है जो डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं Hmm. उनके जरिए जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जिस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्सोए है hmm. जिस तरह नो different... right? no, उससे भी कैल्शियम hmm. हासिल होता है hmm. लेकिन जब हम एक ऑप्टिमल uh, कैल्शियम uh, हासिल करने की बात हुँ. करते हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है yeah. वो बेस्ट में आते okay. हैं जब हम बोन uh, प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं तो कैल्शियम के अलावा विटामिन डी की काफी कमी पाई गई है स्पेशली इन वेमेन आर ओवर फोर्टी ईयर्स तो आप uh, मतलब उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए कैसी uh, कौन सी ऐसी गजा लाइक like, uh, मतलब वेजिटेबल्स हैं या कौन सी ऐसी गजा आप रिकमेंड करती हैं जो कि लिया जाए देखिए विटामिन डी के जो है ना बहुत सारे फूड सोर्सेज हैं जिसमें ऑयली फ़िश होती है उससे विटामिन डी हासिल होता है इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं की जाती है फूड्स की लेकिन बाहर के ममालिक में फोर्टिफाइड सीरियल और जूसेस और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी से आ, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सन एक्सपोजर है क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो ऑटोमेटिक जो है विटामिन डी उसमें प्रोड्यूस होता है आ, अगर जिन लोगों का सन एक्सपोजर बहुत कम है आ, क्योंकि उसके लिए एक खास कंडीशंस होती हैं कि आपने किन टाइमिंग्स में सन एक्सपोजर है आ, ले रहे हैं आप और कितनी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं आपकी स्किन अनकवर्ड है तो वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हों तो हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो विटामिन डी की प्रोडक्शन हो जाती है थैंक यू सो मच मिस फाइजा फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन वेल uh, well, नाजरीन आपने uh, सुना के मिस फायज़ा ने कितनी इंपॉर्टेंट मालूम शेयर की रिगार्डिंग कैल्शियम एब्जॉर्बेशन एंड वाइटमिन डी आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में इसको uh, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे आई एल सी यू नेक्स्ट वीक इन शाला अल्लाफ आई होप कि आप सब ने डॉक्टर महरीन की ना सिर्फ बातें सुनी पर अपनी जिंदगी में इन बातों को किसी ना किसी तरह इम्प्लीमेंट और शामिल करने की कोशिश भी करेंगे ओके नाउ टाइम फॉर द सेगमेंट जिसमें आप जीत सकते हैं एक प्राइज और प्राइज है एक फ्री डेक्सा स्कैन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जवाब आप मुझे देंगे सवाल बहुत आसान है द क्वेश्चन इज वेट फॉर इट वेट फॉर इट वट इज ऑस्ट्रोपिनिया इज इट ए बोन स्वेलिंग इज इट बी अंट प्रॉब्लम इज इट सी थिंग ऑफ द बोन आई रिपीट द क्वेश्चन ऑस्ट्रोपिन क्या है हड्डियों की सोजन जोड़ों की तकलीफ या हड्डियों का कमजोर हो जाना या आपके तीन ऑप्शन है आप जवाब देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस इज ऑन योर स्क्रीन राइट ना और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जीरो एट हंड्रेड जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो राइट खातिन रजात इससे पहले कि मेरे आ, घर जाने का वक्त हो जाए और आप लोगों का भी चैनल चेंज करने का टाइम आ जाए वच आई होपफुली होप दैट यू डोंट सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आज हमने काफ़ी बातें की जिसमें लाइक आई टोल्ड यू बिफोर मैंने बहुत सारी बातें सीखी आई थिंक रियली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं और और हम आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं इसका ये मतलब फिर भी नहीं होता क्या आप अपने आप को इतना ही क्वालिफाइड समझ लें कि आप फार्मेसी जाएं आ, अपनी मर्जी की दवाइयाँ या विटामिन की कंकॉक्शन उठाएं और घर जाके उनको खाना शुरू कर दें आ, मुझे पता है कि जब ये करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए ही बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन जैसे आज डॉक्टर मरातब ने बताया कि कम विटामिन खाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो सकते हैं दस अ परफेक्ट मेजरमेंट फॉर एवरी थिंग हर किसी को एज के हिसाब से वजन के हिसाब से मेटाबॉलिक uh, एक्टिविटी के हिसाब से एक अलग डोज की ज़रूरत होती है सो विटाम शुड नाट बी ट्रीटेड लाइक कैंडी और टॉफीज इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सीरियस मेडिकेशन तो विटामिन खाने से पहले भी अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा टेक एडवाइस फ्राम फ्राम अ फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन बिफोर स्टार्टिंग एनी विटामिन क्योंकि लाइक आई साइड कम लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा लेंगे तो नुकसान होंगे और अगर आप विटामिन ले रहे हैं और फ़ायदा हासिल नहीं कर करें नो पॉइंट वंस अगैन और आज मैंने विटामिन डी के बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी कि ये अब इसको सिर्फ़ एक आम विटामिन नहीं समझा जाता है बल्कि इसके इतने फ़ायदे पता चलिए रिसेंट साइंस और रिसर्च ने उसको एक विटामिन से हॉर्मोन का स्टेटस दिया गया विच इज क्वाइट द प्रोमोशन फॉर विटामिन डी सो कंग्रेचुलेशन टू विटामिन डी इन इट्स इम्पोर्टेंस एंड विद आई लाइक टू से थैंक यू टू ऑल यू फॉर वॉचिंग क्लब फोर्टी टू स्टेग फॉर स्टेइंगी रिमेंबर आप क्लब फोर्टी के मेंबर बन सकते हैं आज अभी और इसी वक्त ऑल यू हैव टू डू इज लॉग ऑन टू आर वेबसाइट which is www.club40.org.pk. Hopefully, screens पे सारी information इस वक्त आपको नजर आ रही है. और अब मैंने बहुत बातें कर दी हैं. मैंने आपसे बहुत बातें share कर दी हैं. So it's time for me to leave with the promise that you will stay happy, healthy. Till next week, take care of yourselves and each other. This is me, Dr. Muzna Ibrahim saying, Allah Hafiz.